स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर द्वारा 12 दिसंबर को वर्चुअल स्कूल शिक्षा बोर्ड में उद्घाटन व शिलान्यास करने के साथ कुलगीत व प्रार्थनाओं को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब ये कार्यक्रम 15 दिसंबर के बाद होगा। उन्होंने बताया कि सीएम द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के एक भवन का लोकार्पण किया जाना था और एक भवन का शिलान्यास होना था, साथ ही बोर्ड द्वारा तैयार किए गए कुलगीत और प्रार्थनाओं को रिलीज किया जाना था और प्रार्थना सभाओं का आयोजन किस तरह से हो इस बारे एडवाइजरी जारी होनी थी। इसके अतिरिक्त बोर्ड के त्रिभाषीय न्यूज़लेटर संस्करण का भी विमोचन होना था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर को किसी कार्य हेतु दिल्ली जाना पड़ा। ऐसे में अब ये कार्यक्रम 15 दिसंबर के बाद कभी भी किए जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीष प्राप्त होना था 12 तारीख को, इसके लिए वर्चुअल एक लोकार्पण होना था भवन का और एक शिलान्यास तथा कुल गीत और प्रार्थनाओं को रिलीज करना था, और बैग फ्री डे वाले दिन किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्कूलों में और प्रार्थना सभा में कैसे प्रार्थना सभा हो, इसकी सारी एडवाइजरी उसमें जारी करनी थी। तो उसका भी इस प्रकार से विमोचन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाना था, और न्यूज़लेटर का दूसरा संस्करण जो हिंदी इंग्लिश और संस्कृत में है उसका भी विमोचन होना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी कार्य हेतु किसी कार्य के निष्पादन के लिए दिल्ली जाना पड़ा, तो वो अभी कैंसल है, पोस्टपोन है कार्यक्रम, और 15 के बाद कभी भी ये हो सकता है।